बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च के पकोड़े। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। एक आधा पाव मैंने बेसन लिया है, इसे छान लिया है। एक पाव मैंने मोटी मिर्च ली है बड़ी, इन्हें अच्छे से धो लिया है। ये बेसन का मसाला है जो बेसन में शामिल करेंगे हम। एक टी स्पून पिसी मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून अजवाइन। ये मिर्चों का मसाला जो मिर्चों में फिलिंग करेंगे। दो टेबल स्पून चाट मसाला, एक टेबल स्पून पिसी खटाई, दो टेबल स्पून नींबू का रस। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिर्चों को बीच से कट लगा लेंगे इस तरह से नाइफ की मदद से, और इसके बीज निकाल देंगे तमाम, इसको खाली कर लेंगे इस तरह से। इसके बीज निकाल लेंगे छुरी की मदद से। सारी मिर्चों को हम इसी तरह से कट करके बीज निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने कट करके बीज निकाल लिए हैं। अब इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। नींबू का रस डालेंगे मसाले में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। पानी नहीं डालना है हमें, ना पतला करना है, इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखें, ये मिक्स हो चुका है, इसी तरह से बनाने हैं हमें। अब सारी मिर्चों में हम चम्मच की मदद से मसाला फिलिंग कर देंगे। इस तरह से हम चम्मच की मदद से फिल कर देंगे, हम हाथ से भी कर सकते हैं। तो सारी मिर्चों में हम मसाला भर लेंगे इस तरह से, देखें। अब चाहे तो हाथ से भी भर सकते हैं। तो देखें, हमने तमाम मिर्चों में मसाला भर लिया है। अब इसका बेसन तैयार करेंगे। तो एक बाउल में बेसन लेंगे, इसमें ये मसाले शामिल करेंगे, पिसी मिर्च, हल्दी, नमक, अजवाइन, इन सबको शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अब इसका एक बैटर बनाएंगे। मिक्स हो चुका है ये, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे। मिक्स करेंगे इसे हल्का सा पानी शामिल करके। पानी हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना है, एहतियात से बस इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, पतला नहीं करना। तो देखें, इस तरह से आप इसका बैटर बना लीजिएगा, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, जिस तरह से नज़र आ रहा है इस तरह से हल्का सा पानी शामिल करके। तो हम इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक विस्कर से फेंट लेंगे इस तरह से। फेंटने से पकोड़े हमारे बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप फेंट लीजिएगा 3 से 4 मिनट तक। ये फेंट चुका है। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। तो अब इस तरह से बेसन के बैटर में मिर्च को लेकर कोट करेंगे बेसन में। इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे इसको। अच्छी तरह से कोट कर लीजिएगा बेसन में और इसे ऑयल में डालते जाएंगे इस तरह से। सारी मिर्चों को हम कोट करके बेसन में इस तरह से डालते जाएंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए ज़्यादा, तो उसको दरमियाना कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। हल्का सा लाइट कलर देना है हमें, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं दीजिएगा मिर्चों को। तो एक तरह से फ्राई हो चुकी है, हम इसे पलट देंगे। तो देखिए, फ्राई हो चुकी है, कलर आ चुका है लाइट ब्राउन। हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी की मिर्चों को भी इसी तरह से कट करके फ्राई करते जाएंगे। अगर ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए तो फ्लेम स्लो कर दें। सारी मिर्चों को इसी तरह से कट करके फ्राई कर लें।
तो देखिए एक साइड से फ्राई हो चुकी है। पलट देने से तो देखिए ये भी फ्राई हो गई, हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे खस्ता गर्मा गर्म मिर्ची के पकोड़े बनकर के तैयार हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ये देखें बहुत ही खस्ता बने हैं। तो आप इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसका मसाला भी बहुत चटपटा होता है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।